गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम मछलियों के ऊपर पाए जाने वाले फिन्स की चर्चा करेंगे। फिन्स जो होते हैं वो उन मछलियों के चलनांग होते हैं, गमनांग होते हैं, जिनकी सहायता से ये गमन करते हैं। फिन्स की सहायता से ये तैरती हैं। गमन जर्नली पानी में होता है, इसलिए उसमें तैरना ही होता है, स्विमिंग करती हैं इसकी सहायता से। ये पतली और चौड़ी त्वचा के वलन से मिलकर के बने होते हैं ये फिन्स। ये फिन अधिकतर मछलियों में फिन रेज के द्वारा सपोर्टेड रहते हैं। ये फिन रेज जो हैं वो या तो बोन्स के बने हो सकते हैं, या कार्टिलेज के बने हो सकते हैं, या फाइबर्स के बने हो सकते हैं, या हॉर्नी संरचनाओं के बने हो सकते हैं। फिन्स को सामान्यतया दो प्रकार में बांटा गया है, अयुग्मित फिन और युग्मित फिन। अयुग्मित फिन में सिंगल जो फिन होते हैं, अयुग्मित जो युग्म में नहीं रहते, जो पेयर में नहीं पाए जाते, उनको अयुग्मित फिन कहते हैं। जैसे कि पृष्ठ के ऊपर एक सिंगल फिन पाया जाता है, गुदा के ऊपर एक सिंगल फिन पाया जाता है, अधर में एक सिंगल फिन पाया जाता है, और कोडल में एक सिंगल फिन पाया जाता है। ये सिंगल या अयुग्मित फिन है। उसके बाद युग्मित फिन, यानी जो युग्म में रहते हैं या डबल संख्या में रहते हैं, उनको युग्मित फिन कहते हैं। जैसे पेल्विक फिन और पेक्टोरल फिन, ये युग्म में रहते हैं। जैसे कि इसमें इस मछली के अंदर ये सिंगल फिन है, ये डोर्सल फिन, ये अयुग्मित है, ये कॉडल फिन भी अयुग्मित है, एनल फिन अयुग्मित है, लेकिन ये युग्मित है, ये पेयर्ड फिन है। पेक्टोरल और पेल्विक ये पेयर्ड फिन के रूप में आते हैं। मछलियां अधिकतर कॉडल फिन के द्वारा ही चलन करती हैं। इनमें शेष फिन तो दिशा बदलने के लिए पतवार की तरह काम आते हैं। जब शरीर आराम अवस्था में यानी रेस्टिंग स्टेज में होता है, तो फिन साम्यावस्था स्थापित करने में यानी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में काम आती हैं। मछलियों के फिन अन्य कामों के लिए भी रूपांतरित हो जाते हैं, जैसे कि लंगफिश के अंदर लेग्स लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, और एग्जोसीटस में विंग लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, और कॉन्ड्रिक्थीस में क्लास्पर के रूप में, और इसमें रोडियस के अंदर इंटरमिटेंट या ओवोपोजिटर ऑर्गन के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे कि इन चित्रों में दिखाया गया है, ये रोडियस फिश है, इसका जो वेंट्रल फिन है वह एक ओवोपोजिटर के रूप में रूपांतरित हो गया है, जिसमें ये मसल के अंदर या इसमें सीपी के कवच के अंदर अपने अंडों को त्यागती है। और ये लंग फिश हैं, जिसमें लंग्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है, गिल्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है इनमें, लेकिन इनकी जो फिन हैं वो फिन एक चलनांगों में यानी चलने वाले ऑर्गन्स या अपेंडेजेस के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, लोब लाइक स्ट्रक्चर में रूपांतरित हो जाती हैं लंगफिश के अंदर। इसमें ये शकरफिश है, रिमोरा या शकरफिश कहते हैं, इकाइनिस कहते हैं इसे, इकाइनिस इसका जूलॉजिकल नेम है। सकरफिश यानी जो फर्स्ट इसकी डोर्सल फिन है वो सेक्टोरियल डिस्क में कन्वर्ट हो जाती है, और सेक्टोरियल डिस्क जो दूसरी मछलियों पर चिपक करके और उनके साथ साथ घूमती रहती है, इसको तैरने की आवश्यकता नहीं होती, एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि ये कमेंसलिज्म दर्शाती है, उस पर उनका रक्त और उनसे चूसती नहीं, उनका शोषण नहीं करती है, बल्कि उनके साथ साथ गमन करती है। बड़ी मछलियाँ जो भी भोजन खाती हैं उनके जो टुकड़े छिटक जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उनको ये खाती है, जिससे इसे कमेंसलिज्म या सहोपकारिता कहते हैं। उसको नुकसान नहीं पहुंचाती बड़ी मछली को, उसके साथ में सिर्फ चिपकने का काम करती है ये सेक्टोरियल डिस्क से। एक्जोसीटस है, जिसमें फ्लाइंग फिश कहते हैं, इसके पेक्टोरल फिन बहुत लंबे बड़े विंग लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं, इलोंगेटेड हो जाते हैं, इसलिए इसे उड़न मछली कहते हैं। अब बात करते हैं इसके ओरिजिन ऑफ फिन्स की, कि फिन की ओरिजिन किस प्रकार से होती है। प्रथम कॉर्डेट जो होते हैं, फर्स्ट कॉर्डेट या प्रोटोकॉर्डेट हैं, उसमें युग्मित उपांग नहीं पाए जाते, हम जानते हैं, जैसे कि एम्फियोक्सस में कोई पेयर्ड फिन नहीं पाया जाता। लेकिन ये सर्वविदित है कि आगे आने वाले जो टेट्रापोड हैं, वर्टिब्रेट हैं, उनके अंदर अग्र और पश्च पादों का विकास मछलियों के पेक्टोरल और पेल्विक फिन से ही हुआ है। इसे समझाने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसमें गिल आर्स थ्योरी, एक्सटर्नल गिल थ्योरी, फिन फोल्ड थ्योरी, फिन स्पाइन थ्योरी और ऑस्टियोकोडर्म थ्योरी प्रमुख हैं। सबसे पहले लेते हैं गिल आर्च सिद्धांत या गिल आर्च थ्योरी। ये गेगन बोर ने सन 19वीं सदी में ये प्रस्तुत की थी। इन्होंने ये बताया कि जो गिल्स के आर्च हैं, बीच में पाए जाने वाली जो गिल फ्लैप हैं, वे बड़े होकर के और फिन का रूप धारण कर लिया। ये गेगन बोर ने बताया था। इस प्रक्रिया को जो है ना, अंतिम गिलवार के अतिविकसित होने से फिन बने हैं, ये गेगन बोर ने बताया। इसे आर्किप्टेरिजियम हाइपोथेसिस कहते हैं। उन्होंने द हाइपोथेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए गिल आर्च इनटू द फिन के बारे में ये बताया था। इसे गिल आर्च सिद्धांत या गिल आर्च थ्योरी कहते हैं। यदि भी इसका कोई मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल कोई एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये थ्योरी है। जैसे कि इसमें ये गिल आर्च है, ये गिल रेज हैं, और ये धीरे 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 बड़ी होकर के और एक फिन का रूप धारण कर रही है। ये इसका अगर इसको ऑस्टियोलॉजिकल से देखें, तो इसकी एम्ब्रियो ये गिल आर्च है,
और गिल आर्च से बाद में ये पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल से पेक्टोरल फिन के रूप में रूपांतरित होता हुआ दिखाया गया है इसमें। ये होमोलॉजी, इसके अंदर सीरियल होमोलॉजी दिखाई गई है। उसके बाद में दूसरा सिद्धांत आया, उसका बाह्य गिल सिद्धांत या एक्सटर्नल गिल थ्योरी। ये ग्राहम कैर के अनुसार, कैर ने दिया था, उन्होंने ये बताया कि युग्मित फिन और उनके कंकाल बाह्य गिल छिद्रों से उत्पन्न हुए हैं। जो एक्सटर्नल गिल हैं उनके द्वारा ये बढ़कर के उनके द्वारा उत्पन्न हुए हैं, जो लार्वा अवस्थाओं में अस्थायी रूप से पाए जाते हैं। हालांकि इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जब सिद्धांत है तो सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है फिन फोल्ड थ्योरी। ये सिद्धांत ज़्यादातर वैज्ञानिकों के द्वारा सपोर्टेड है और उनके द्वारा माना गया। बालफोर और थैचर ने यह बताया कि सभी मछलियों के अंदर उनकी देह भित्ति में सतत कंटिन्यूस फिनफोल्ड पाए जाते थे पहले, और कंटिन्यूस फिनफोल्ड के बीच में डिसकंटिन्यू होने के कारण उनसे ये विभिन्न प्रकार की फिन्स बनी, युग्मित और अयुग्मित फिन्स का विकास हुआ। जैसे कि एम्फियोक्सस जो और आज के पूर्वज मछलियाँ हैं, उनके अंदर एक डोर्सल फिनफोल्ड पाया जाता है और दो लेटरल फिनफोल्ड पाए जाते हैं। उन लेटरल फिनफोल्ड के डिसकंटिन्यू होने से या टूटकर छिटक जाने से तो पेयर्ड फिन बनी, पेक्टोरल और पेल्विक। और जो कंटिन्यूस डोर्सल फिनफोल्ड था उसके डिसकंटिन्यू हो जाने से या छिटक जाने से उसमें डोर्सल, कॉडल, एनल, वेंट्रल और ये अयुग्मित फिन बनी। ये जो है फिन सिद्धांत दिया था, इसे फिन फोल्ड थ्योरी कहते हैं। ये विडरसन और पार्कर गुडरिच वैज्ञानिकों ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया है। जैसे कि इसमें ये दिखाया गया चित्र के अंदर, ये डेरिवेशन ऑफ फिन्स फिन अकॉर्डिंग टू द फिन फोल्ड, ये कंटिन्यूस फिन फोल्ड है और कंटिन्यूस ये डोर्सल सिंगल फिन फोल्ड और ये दो लेटरल फिन फोल्ड हैं जिनके डिसकंटिन्यू हो जाने से फिन्स का विकास हुआ इस प्रकार से। चौथा जो सिद्धांत है वो है फिन स्पाइन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार मांसल जाल और फिन मेटामेरिकली जो व्यवस्थित कंटिकाओं से बना हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले कंटिकाओं का विकास हुआ और कंटिकाओं के बीच में एक फ्लैप डेवलप हो जाने से वो फिन का रूप धारण किया। धीरे धीरे ये जो फ्लैप है ये सततता इसकी विलुप्त हो गई, तो उसके कारण सिर्फ अग्र और पश्च फिन बच गए। ये आगे चल करके युग्मित और अयुग्मित उपांग बना लिए, जैसे कि इसमें एक चित्र में दिखाया गया है। इस डेरिवेशन ऑफ फिन्स अकॉर्डिंग टू द फिन स्पाइन थ्योरी, ये इसमें फिन स्पाइन थ्योरी, ये जो स्पाइन है स्पाइनों के बीच में ये फिन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बनी और उनसे ये फिन का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद में पांचवी और अंतिम थ्योरी थी ऑस्ट्रेकोडर्म थ्योरी। उसमें इस सिद्धांत के अनुसार कुछ ऑस्ट्रेकोडर्म में दोनों पार्श्व दिशाओं में निकले हुए जो फ्लैशी लोब हैं, इसमें उल्टा बताया, यानी पहले लोब का विकास हुआ उसके बाद में कंटिकाओं का विकास हुआ होगा। जो पेक्टोरल फिन के प्रीकर्सर हो सकते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक फिन के विकास के बाद में ये कंटिकाएं विलुप्त हो गई, इस प्रकार से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हो गई और वो फिन बनकर के रह गया। मछलियों के ऑस्ट्रेकोडर्म एंसेस्टर थ्योरी को भी बल मिलता है। इसमें अगर ये सिद्धांत सही है तो ये भी माना जा सकता है कि मछलियों के जो पूर्वज हैं वो ऑस्ट्रेकोडर्म जैसे एंसेस्टर रहे होंगे। टाइप ऑफ कॉडल फिन, अब चलते हैं, अगला टॉपिक है टाइप ऑफ कॉडल फिन, यानी कॉडल फिन के प्रकार। कॉडल फिन कितने प्रकार की होती है मछलियों के अंदर? पुष्य फिन या कॉडल फिन अधिकतर मछलियों में विकसित होती है और ये तैरते समय आगे की तरफ प्रोपल्सन करने वाला ऑर्गन होता है, महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। ईल और एम्फोकैम्पस में ये कम विकसित होती है। समुद्री घोड़े के अंदर ये प्रीहेंसाइल ऑर्गन का काम करती है। समुद्र तलीय प्राणियों में ये छोटी होकर के कांटों में रूपांतरित हो जाती है, जैसे कि स्टिंगरे में ये अनुपस्थित होती है। ये भिन्न भिन्न वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है, इसलिए यह मछलियों के वर्गीकरण में टेल फिन का, कॉडल फिन का महत्वपूर्ण योगदान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए मछलियों की पूंछों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, डाइफाई सर्कल टेल, हेट्रोसर्कल टेल और होमोसर्कल टेल। सबसे पहले डाइफाई सर्कल टेल, ये मछलियों की आदिम प्रकार की यानी बहुत ही प्रिमिटिव प्रकार की पूंछ है जो आज की मछलियों में नहीं पाई जाती। इसकी पूंछ में कशेरुक दंड पीछे जाकर के दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और ये डाइफाई सर्कल, इसलिए डाई मीन्स दो, फाइस सर्कल मतलब है विभाजित हो जाना, दो भागों में विभाजित हो जाना। एपिकोडल लोब, ऊपर वाले को एपिकोडल और नीचे वाले को हाइपोकोडल लोब कहा जाता है। जैसे कि साइक्लोस्टोम्स में, प्रिमिटिव शार्क में, होलोसेफलाई में, डिप्नोई फिश में यानी लंग फिश में, क्रोसेप्टेरिजी में जैसे लेटीमेरिया में और मैनी लार्वल टीलियोस फिश के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। गहरी समुद्री मछलियों में, लेटीमेरिया में, विलुप्त सीलोकेंथ में ये आइसोसर्कल रूप में पाई जाती है, अर्थात दोनों पालियां बराबर की हो जाती हैं। दूसरी है हेट्रोसर्कल टेल। हेट्रो मीन्स डिफरेंट,
सर्कल मीन्स जिसकी दोनों पालियां अलग अलग आकार की होती हों, उनको हेट्रोसर्कल टेल कहा जाता है। इसमें ये जो पूंछ है वो एसिमेट्रिकल होती है, ये मध्यवर्ती प्रकार की पूंछ है जिसमें कशेरुक दंड ऊपर की तरफ यानी एपिकोडल लोब की तरफ मुड़ जाता है, जिससे हाइपोकोडल लोब में कोई सपोर्ट नहीं होता, इसलिए ये असममित हो जाती है, एसिमेट्रिकल हो जाती है। ये आधुनिक इलास्मोब्रैंक मछलियों में खूब पाई जाती है, शार्क में खूब पाई जाती है, विलुप्त डिप्नोय फिशों में पाई जाती है, ये जीवित आज की जो होलोस्टीन मछलियाँ हैं उनके अंदर हेट्रोसर्कल टेल देखने को मिलती है। कुत्ता मछली में भी हेट्रोसर्कल टेल होती है। ये कुछ चित्र हैं जिसमें प्रोटोसर्कल और डाइफाई सर्कल टेल के चित्र बताए गए हैं। ये हेट्रोसर्कल टेल है जिसमें एपिकोडल लोब की तरफ ये वर्टिब्रल कॉलम मुड़ जाता है, और ये हेट्रोसर्कल टेल है जिसमें एपिकोडल हाइपोकोडल दोनों ही लोब अलग अलग आकार के हैं, जिसके कारण इसकी ये एसिमेट्रिकल हो जाती है। ये होमोसर्कल टेल है जिसमें दोनों लोब बराबर के हैं और सिमेट्रिकल पूंछ होती है ये, जिसमें ये एब्रिविएटेड होमोसर्कल टेल है। और ये जेफायरोसर्कल एक विशिष्ट प्रकार की फिरेस फिश में पाई जाने वाली एक टेल है, जिसके अंदर केवल कंटिकाएं कंटिकाएं हैं और उन कंटिकाओं के बीच में ये फ्लैप डेवलप हो गया है, जिससे ये जेफायरोसर्कल प्रकार की टेल फिन होती है। और लास्ट में होमोसर्कल, होमो मीन्स एलाइक या सिमिलर, ये सबसे अधिक विकसित प्रकार की और सामान्यतया पाई जाने वाली पूंछ होती है, यानी कॉमनली फाउंड इन फिशेस। इसमें कशेरुक दंड एपिकोडल लोब की तरफ अल्प विकसित होता है, बाहर से इसके दोनों लोब एपिकोडल और हाइपोकोडल बराबर के होते हैं, इससे ये सममित यानी सिमेट्रिकल हो जाती है। जैसे कि आधुनिक टिल्यूस्ट मछलियों में ये पाई जाती है, होमोसर्कल पूंछ वाली मछलियाँ सीधी दिशा में गमन करती हैं क्योंकि इनकी पूंछ में अधिक प्रोपल्शन पैदा होता है। तो ये आज के लेक्चर के बारे में, फिश फिन के बारे में था। थैंक यू वेरी मच।